कन में कोरोना योद्धे कोरोना पक्का इतने धरना लगाया हुआ रजिंद्रा होस्पिटल पटियाला के सामने तुसी की कारण है तुसी इतने बैठे हो अज मैम साढ़ा धरना रजिंद्रा विखे घट्टो घट्ट 3 महीने हो गया लगातार धरने के बैठिया यह साढ़े करोना महामारी वाले दर्जा 4 मुलाजम रखे गए थे जिन्होंने इन्होंने करो 3-9 बहाल करके कट दिता परंतु एक पास चन्नी सरकार कह रही है कि ठेकेदारी सिस्टम बंद करता असी दूजे पास सानू फिर अच्छे ठेकेदार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्वाइन करने कहते हैं ये दर्जा 4 मुलाजमान तो असी यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा कि दर्जा 4 कर्मचारी जिन्हें उन्होंने धक्का होगा देखो साड़ी रैगुलर की पॉलिसी जो नहीं बनती हैगी सानू महकमे के अंडर लिया जाए जो साड़ी रेगुलर की पॉलिसी बन जूगी सानू रेगुलर किया जाएगा अब जो सा प्रोटेस्ट है साडा आम पब्लिक नू परेशान का कोई मोटिव नहीं है परेशान करन दा असी एंबुलेंस सेवावां मंगा रहे हैं फिलहाल जेकर साड़ी मंग नहीं पूरी होंदी असी एंबुलेंस सेवावां भी रोक देवांगे साड़ी सरकार अगे इक मंग है कि जे असी धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने देखो असी करोना काल च कम किया इन्ने औखे समय च कम किया जो एक बंदे ने नहीं लगता अपना अपने नहीं पछाणदा सी ते असी डेड बॉडियां पैक कीतियां डैपर चेंज कीते ने उत्थे हुण तीजी वीक आ रही है फिर सानू 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे के उस मौत दे काल विच सिटन फिरदे ने सानू साडी अज सरकार अगे यही मंग है कि जेकर सानू यह महकमे तो रेगुलर नहीं कर सकते तो कम से कम सानू डीसीएड दे किया जाए ठेकेदार विचों कढ़िया जाए ठेकेदार सिस्टम नहीं चलाएगा तुसीं क्यों बैठे हो अज धरने दे उत्ते असीं इत्थे धरने ते असीं 3 महीनों तो लगा रहे हैं क्योंकि सरकार साड़ी गल कोई सुन नहीं रही जदों तक करोना पूरे पीक ते सी उदों तक सरकार ने अनाउंस किया कि जिहड़े भी टैलेंटेड स्टाफ हैगे आ जिन्हां कोल एक्सपीरियंस हैगा वो साढ़े कोल आओ असीं तुहानूं रख दें असीं पहुंचे बिना एग्जाम तो उदों इन्होंने साडा स्टाफ रख्या वह 3 कैटेगरियां दे विच स्टाफ रख्या नर्सिंग स्टाफ वार्ड अटेंडेंट सफाई सेवक बट जदों सरकार नूं लगा कि हाँ कोविड का थोड़ा कहर घटिया है तो असीं इन्हां नूं बाहर कढ दिए क्योंकि उदों अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपदी पार्टी बदलती वो इधरों निकल के बीजेपी चल गया बट उसने जाते जाते साडे खिलाफ़ चिट्ठी कट दी भी इन्हों बाहर क्या जाए इन्हों की लड़ नहीं पर असी साड़ी पंजाब सरकार नू सवाल करते हैं भी जो करोना कहरते से उदों तुहाडे जवाक घरां च सी असी सड़क ते सी जे अज तुहानू वोटां तक की लड़ आ अज भी असी सड़क ते हां तुसी घरां चो पर साड़ी सरकार बहुत माड़ी आ वो साडे लोकां दी गल नहीं सुन रही गी क्योंकि करोना बहुत कहर की बीमारी सी महामारी सी जिहड़ी पूरे पंजाब दे विच पूरे भारत दे विच आई सी क्योंकि जदों भी कोई महामारी आउंदी आ कोई भी उदों मुलाजम रख्या जांदा ना उहनूं पक्का कीता जांदा जे गल करिए हरियाणे दी दिल्ली दी उत्थे सरकार ने करोना च रख्या स्टाफ पक्का किया पर साडियां सरकारां इन्नियां कि ज़्यादा माड़ियां जिहड़ियां पैसा सारा आपदी जेब च पा रहीं साडे मुलाजमां दा पैसा आपदी जेब च पा रहीं साडे आम लोकां दा पैसा आपदी जेब च पा रहीं साडे मुलाजम सड़कां ते रोल रहीआं ऐ ते दिन ब दिन जिहड़ा पंजाब आ उहनूं बर्बाद कर रहीआं ऐ साडी सरकार बहुत माड़ी आ इह सवाल साडी सरकार नूं आ क्योंकि उहनां ने सानूं बाहर कढ़िया क्योंकि सरकार साडी रख सकदी आ क्योंकि स्टाफ होस्पिटल दे विच स्टाफ दी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा जदों असीं ज्वाइन कीता सी उदों भी सी क्योंकि उदों रैगूलर स्टाफ सी 50% हॉस्पिटल छड़ के घरों चल गए क्योंकि महामारी का डर ही इन्ना ज़्यादा सी पर साडे मुलाजम असी कहा चल कोई नहीं पक्के होवांगे असी इत्थे खड़दे आ हॉस्पिटल असी जॉब कंटिन्यू रखी पर अज जदों उन्हां नूं पक्के करन दा टाइम आया सानू रखना सी तां उन्होंने सानू बाहर कढ़ता ओमिक्रोन वायरस आ रहा है अगे पता है कोविड बहुत वध रहा लॉकडाउन दिल्ली दे विच भी लग रहा नाइट का कई होर देशों भी लग रहा अपने भी लुधियाने दे विच केस नवे 4-5 पॉजिटिव आए कल की न्यूज़ के बट साडी सरकार उस दे लई सानू 3 महीने की जस्ट एक्सटेंशन दे रही है कि तुसी 3 महीने करोना च कम करो ठेके के आधार पर बट सानू यह चीज़ ना मंजूर आ क्योंकि जे असी कम कहर दे विच बीमारी दे विच कीता ना तो अज साडा सवाल सरकार नूं जांदा कि सानू पक्के कीता जाए क्योंकि साडी सरकार दे लड़ाई लोकां नाल आ क्योंकि साडे नाल की आ फिर क्योंकि हेल्थ सिस्टम सब दे लई प्रायोरिटी है एजुकेशन प्रायोरिटी है पर साडी सरकार इन्हां चीज़ों वल ध्यान नहीं दे रही उन्हां दा ध्यान सिर्फ आपदे गल्ले भरन विच लगा होया है ते असी लोकां तों वेच के इन्हां नूं खरीद के वोटां लै लांगे इह सवाल ही नहीं उठदा क्योंकि लोक साडे अजकल बहुत जागरूक हो चुके आ उहनूं की सरकार दे प्रति की रोस है तुहानूं मैम मेरा नाम मनदीप कौर है मैं फरीदकोट तो GGS मैडिकल कॉलेज में एज ए स्टाफ नर्स COVID-19 काम किया तो मैम सानू रोस ये है भी मैं सरकार ने फुट पाओ तो राज करो की नीति अपनाई है साढ़े जिवें कि सानू नर्सिंग स्टाफ को सिर्फ 3 महीने लिए अंदर घल्या जा रहा जेड़े साडे दर्जा 4 मुलाजम है किसी को बहाली नहीं दी जा रही क्यों जी उन्होंने काम नहीं किया वो मौत के मुँह च नहीं लड़े जे असी लड़े तो साड़ी जी मौत का कीमत जान की तुम पाई है सिर्फ 3 महीने 3 महीनों तुम फिर रिलीव कर दोगे फिर असी सड़क पर रुलोंगे सानू ये ना मंजूर है सानू पक्का किया जाए जे नहीं करनगे कुछ दिन बाद वोटां ने तो असी गली महल्ले घेर घेर के इन्हां नूं ओह हाल करांगे जिहड़ा अज तक नहीं देखिया होगा इन्हां ने सानू जो चाहिए सानू ये रैगूलर करन क्योंकि दिल्ली सरकार ने रैगूलर किया हरियाणे ने किया हिमाचल ने किया तो ये क्यों नहीं कर सकते जो रैगूलर पोस्टा कढ़िया जा रही 922 स्टाफ नर्स दियां रैगूलर पोस्टा भर लिया इन्हां ने उन्हां नूं सैलरी देने वास्ते इन्हां दे खजाने च पैसे है तो साडे लई क्यों नहीं उदों रैगूलर क्यों नहीं भर्ती कीतियां जदों मौत दे मूँह च लड़ना सी असी गरीबां दे लोक इन्हां नूं दसदे सी उदों गरीबां दे बच्चे जिन्हां
जिन्होंने काम किया इन्होंने आपके बच्चे तो अंदर वाड़ ले सी लॉक लाए हुए सी कोई अपना मतलब मंत्री कोई भी इन्हों मंत्रियों का मुलाजम बड़ा जिहड़ा साढ़े एम एस बी सी कोरोना वार्ड के नहीं जाता से असी अठ अठ घंटे पा के किटा की काम किया हो सू प्रॉपर मास्क ग्लव्स कुछ नहीं मिलता हों सू यह डर हों भी एक सह आ गया दूजा आना कि नहीं आना उस टाइम ये कितने गए से उदो ये रेगूलर भर्ती कर जानते तो हूँ करते पे उदो कर दे जिहड़ा दर्जा चार मुलाजमान दा ते नर्सिंग स्टाफ दा धरना रजिंद्रा दे बाहर चल रहा लम्मा धरना लंबे समय तो चल रहा उहदे च अज किसान जिहड़े आगू ने उहनां दी भी शमूलियत हुई है किसान जथेबंदियां वल्लों इहनां नूं खुला समर्थन दिता जा रहा करद युवा आगू गुरध्यान सिंह सिओणा के नाल उन्हों की लंबी गलबात भी चल रही थी अंदर जी एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट है रजिंद्रा होस्पिटल की भी की गलबात कोई निपरे चढ़ी आ जा किस तरीके जी किसान यूनियन इन जे धरनाकारी इन्हों की मदद से किमें आए हैं। हाँ जी गुरध्यान जी देख जो जो संघर्ष होंगे जो तिखा करा जाता ना तो प्रशासन भजना पै जाना हूँ तक यह बेचारे कल जो कोरोना योद्धे से लोगों को दर्द तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि और टाइम के जिहड़ियां सरकारां जदों लॉकडाउन लगे लोग एकदम घर बंद हो गए थे कोई बाहर निकलिया चाहे जिवें मोटिया मोटिया तनखा लेना उन्होंने तो सिखाला सी पर जिहड़े कोरोना योद्धा ने टाइम के आके उन्होंने लोगों की सांभ संभाल करी जिदे कि खाण पीने चीज़ें जरूरत और वस्तां पहुंचाइया गई इन्होंने उस टाइम भी कम लिया ये एक दूजे पास थी किसान तो मजदूर है जिन्होंने खेती का काम भी बंद नहीं कराया उन्होंने भी चल चलना पा करोना टाइम के बच्चे जो उन्होंने हूँ अज इन्हें जरूरत नहीं थी इन्हों क्या गया पहली गल इन्हों ठेकेदारी सिस्टम से रखा गया तीन तीन महीने दौ करके जो कि बहुत गलत आ क्योंकि जे आप एक कोई अपना फौज कोई जवान आते हैं वो लड़ाई लड़न देश पिछे लड़ते हैं ए लोग भी यही भयानक स्थिति के लोगों पिछे ही लड़े ने इन्हों की भी कुर्बानियां हुई ने बिच कुड़ियां है जिन्हों का पता लगे भी उन्होंने रिश्ते भी छुटे ने भी थोड़े तो भाई करोना टाइम के काम करने सो अज दो तीन महीने के संघर्ष तो बाद जो किसान जथेबंदियां ने शमूलियत की तो थोड़ा जहा फर्क पिया जो क्योंकि उपर तक प्रशासन मीटिंग चल रही तो अज जो इतने का एम एस सी आ जा मतलब कि प्रिंसीपल जे आए हैं उन्होंने एक गल कही है भी इस पहले के आधार से जिम्मे जी बाहरलिया कंपनियां ठेकेदारी सिस्टम असं बंद नहीं करते पर पहलों के आधार से रख लें तीन तीन महीने वास्ते ही सो अज इन्नी गल हाले क्लीयर हुई है उस तो बाद चलो बच्चों सलाह करके आने वाले टाइम असं दसेंगे भी पर जी असल इन्हों का हक बनता क्योंकि जोड़े टाइम करोना के टाइम इन्हें लड़ाई लड़ी आ अगे भी करोना टाइम चल रहा इन्हों रेगूलर करना चाहिए सरकार को क्योंकि कोई ज़्यादा बड़िया पोस्टा तो है नहीं क्योंकि हम जो एक पास देखते हैं अठ अठ घंटे काम ले रहे तो जिमें चार फोरत आप गल करते हैं उन्होंने तो बच्चे लैटरिंग का काम बच्चे बाथरूम का बच्चे मरीजों की सामभ संभाल तो बहुत ज़्यादा काम ले जा रहे हैं पर तनखा की मिल रही है 8,000-7,000 है तनखा की बहुत घट ने सो इन्हों ध्यान रख के सरकार को करोना के टाइम के जोड़े है योधे कह सकते अपना ज चार फोरथ पलाई के होने इन्हें 1325 मतलब बनते गिणती इन्हों की इन्हों पहले के आधार से रेगूलर करके जिम्मे जो सरकारी सहूलत ने उन्होंने लेना चाहिए। वैसे एंबूलेंस से जिहड़ियां जरूरी सेवावां ने उन्होंने ये धरनाकारी लंघन दे रहे हैं जिहड़ियां ने गड्डियां दीआं लाइनां लगियां हुई ने रजिंद्रा होस्पिटल के मेन गेट के बाहर जिहड़े आ दर्जा चार कर्मचारी ते नाल नर्सिंग स्टाफ जिहड़ा उह धरने दे उत्ते बैठे ये हमेशा ही जदों कितें धरना लगता है तो जरूर मुश्किल आउंदियां ने जिहड़े धरना देण वाले ने अपनियां मंगां दे हक दे विच बोलदे ने ते जिहड़े राहगीर ने वो अपनियां जरूरतां नूं दसदे होए लंघण दी कोशिश करदे ने सो ये मुश्किलां हर धरना रैली दे विच संभावित ने जिहड़ियां आउंदियां ही ने। गल करदे आ युवा नेता जो किसान युवा नेता ने जो अज इत्थे इन्हां प्रदर्शनकारियां दे जिहड़े नाल इन्हां दे सहयोग करन दे लई आए ने
इन्हां तों वी जाणदे आं भी ये किस संदर्भ दे विच इन्हां दी मदद करन आए ने ते इन्हां दे की विचार ने जो ये लंबे समय तो जिहड़े ये दर्जा चार मुलाजम ते जिहड़ियां नर्सिंग स्टाफ है वह धरने ते बैठे ने ते तकरीबन रोज़ वांगू ही कोई ना कोई सड़क जिहड़ी पटियाले दी उत्थे चक्का जाम कर रहे ने। सो की तुसीं कहना चाहोगे जी? वाहे जी खालसा वाहे जी फतेह। साथियों सबसे पहले आपको पता है आज हम यहाँ राजेंद्र हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, उसका कारण आप देख सकते हैं सामने नर्सिंग स्टाफ कोरोना योद्धे, जो सेंटर की सरकार और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको नाम दिया था कोरोना योद्धे, कोरोना योद्धे, ये कोरोना योद्धे हैं जो सड़कों के ऊपर रुला दिए। हमारी सिस्टर जो हमारी बहनें हैं उनको आज सड़कों पर रोलने के लिए बेबस कर दिए तानाशाही सरकार ने, क्योंकि इन सिस्टरों का इतना ही खोटा है कि इन्होंने लॉकडाउन के अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करी, लोगों का इलाज कराया, लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया, दिन रात डटी रही। लेकिन वो माँ बाप वो दिन भूल गए जब उनके बच्चे लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो उन समय इन बहनों ने अपना सहयोग किया, उनकी दवाइयाँ दी, जड़ी बूटी करी। लेकिन आज इस सरकार ने क्या किया, हमारी बहनों को नौकरी से निकाल दिया। ये ऐसी सरकारें ऐसा मान सम्मान करते हैं ऐसे कोरोना योद्धों का? अरे डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी सरकार को अधिकार नहीं है ऐसी सरकार को पद पर रहने का। और हम माननीय आयोग सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई न्यायपालिका बची है तो हम अपील करते हैं इस पंजाब सरकार को और सेंट्रल सरकार को तुरंत ही बर्खास्त किया जाए। क्योंकि आप देखिए, एक तो सरकार कहती है कि ये कोरोना योद्धे हैं और ऊपर से इनको लाठियाँ डंडे बरसाती है, ये ऐसी सरकारें हैं। 3 महीने से ऊपर गए हमारी बहनों को धरना प्रदर्शन करते हुए, बठिंडा भी किया, बटाला भी, हर एक जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। क्यों? किसी को शौक नहीं मांग रहा सड़क पर आकर रोड जाम करना, लोगों को परेशान करना, हमारा जीन कर, हम भी तो कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी किसने करी? सरकार ने पैदा करी। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, चन्नी हवा में बातें करता है कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, करना कुछ नहीं, इन्होंने अपनी जोर भरनी है। एक बारी एमएलए मंत्री बन जाता है, 10 बारी तनख्वाह लेता है, 7 पीढ़ियों का रोजगार कर लेता है, लेकिन एक बेबस जो दिन रात मेहनत करता है उसको क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं मिलता। ये जानबूझकर सरकारें जनता को परेशान करती है, जनता दुखी है इस तानाशाही सरकार के कारण। और आज समय आ गया है इन सरकारों को जड़ से उखाड़ फैला, सब सरकारें मिली होती हैं। जय जवान जय किसान।